मिला है सर। चार धाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आएँ। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेज़ी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बड़ी यात्रा होगी, ऐतिहासिक होगी और भगवान की कृपा से सभी व्यवस्थाएं हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। सभी लोग, चाहे चार धाम यात्रा पे जिन लोगों की आजीविका चलती है, उनका भी, हमारे साधु संत समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होगा। निश्चित रूप से यात्रा अच्छी है। नहीं, अभी तक चूँकि ये था कि शुरुआती दिनों में ज़रूर इस प्रकार की बात हुई है, लेकिन बाद में हमने इसको जो है थोड़ा लिबरल कर दिया है और सभी के लिए कि जो भी यात्रा में आएंगे सभी को दर्शन करवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने तैयार किया। घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की, अब कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, अगले साल लोकसभा चुनाव, आज बैठक भी ले रहे हैं, आपको उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से पहले कम्प्लीट हो जाएगा? नहीं, आज उसकी मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ और पहले भी मैं समीक्षा कर चुका हूँ। जो भी कमी है या उसको और तेज़ी लानी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के ऐसे रणबांकुरे जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, तो उनके स्मृति में ये सैन्य धाम बन रहा है। हमारा बहुत पूज्य स्थल है और हर शहीद सैनिक की स्मृति उससे जुड़ी हुई है। सभी का मैं कहूँ कि एक तरफ से श्रद्धा का वो केंद्र रहेगा।